के लिए किन रास्ते से गुजरना पड़ता है यह आप अच्छी तरह जानते हैं। हमारे आज के मेहमान की कला कली से फूल बनकर कैसे महकी ये उन्हीं की जबानी सुनिए। शंकर जी, बड़ा अच्छा आपने पूछा है। हमारी जिंदगी जो है इनकी थिएटर से शुरू हुई है और आपको मालूम है उस थिएटर में बहुत सीखने को भी मिला है और बहुत अच्छा काम करने को भी मिला है जी। वहां से बहुत तजुर्बा मिल रहा है और उसी की बदौलत जो है हम आज हैं। लेकिन जब थिएटर हमेशा बाहर जब टूर पे जाया करता था तब कुछ ना कुछ हम लोग एक्स्ट्रा काम भी किया करते थे। अच्छा। जैसे कि कहीं भी थिएटर के बाद किसी शहर में भी कोई गाने बजाने वाले मिल जाते तो मैं उनको पकड़ के ले आता था। अच्छा। क्योंकि बाकी जो जितने आर्टिस्ट हैं वो थक जाते थे ड्रामा के बाद, तो मुझे वो नाराज होती थी यार ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करता और किसी न किसी को पकड़ के ले आता। तो मेरी आदत थी गाने बजाना सुनना और उससे कुछ हासिल करना। तो पापा जी को ये बहुत पसंद था, पृथ्वीराज जी को, क्योंकि वो क्लासिकल वगैरह में बहुत यानी शौक रखते थे। तो रात भर गाना होता था। इसी तरीके से हम लोगों के हर टूर पर कहीं ना कहीं ऐसे ही प्रोग्राम हुआ करते थे। एक दिन मैं गुस्ताखी की माफी चाहूं, आपने ये नहीं बताया कि आपने ये थिएटर ज्वाइन कैसे किया। पृथ्वी थिएटर से आपका ताल्लुक? जब मैं 44 से पहले जब मैं बंबई आया तब मुझे पापा जी ये देवधर म्यूजिक स्कूल है अपरोस के पास जी, वहां उनके दर्शन मुझे हुए हैं। जब मैंने उनको देखा तो ऐसा लगता था कि वाकई ये इतने खूबसूरत हीरो शायद ही कोई हो सकता है। अच्छा। उनकी यानी हैसियत या खूबसूरती या पर्सनालिटी जो थी उसको देखकर ही मैं खामोश हो गया। मैं तो एक छोटा सा एक जर्रे की तरह। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे मालूम था कि पापा जी ड्रामा उस वक्त शकुंतला शुरू करने वाले थे। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा कि पापा जी हमें काम देंगे क्या? उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं? मैंने बोला जी कि मैं तबला बहुत अच्छा बजाता हूँ और हारमोनियम भी बहुत अच्छा बजाता हूँ, थोड़ा बहुत डांस भी करता हूँ और स्टेज पे अगर कोई छोटे मोटे डायलॉग्स हो तो वो भी मैं बोल सकता हूँ। ऑलराउंडर। तो उनको ये बहुत अच्छी लगी बात। तो उन्होंने दादर में ध्रुवालय, आपने सुना होगा, वहां हमेशा थिएटर के रिहर्सल वगैरह वहीं हुआ करती थी। अच्छा। तो मैं गया एक दिन तो साहब थिएटर में वहां पर जो हॉल में रिहर्सल हॉल में बड़े बड़े कलाकार बैठे थे, तो उस कलाकारों को देखकर मैं भी जरा सोच में पड़ गया भी हम तो कुछ भी नहीं उनके सामने। तो आखिर में उन्होंने बोला कि जरा तबला सुनाओगे क्या? मैंने अगर आप इजाजत दे तो मैं जरूर सुनाऊंगा। तो इत्तेफाक से अली अकबर साहब भी वहां थे। तो अली अकबर साहब के साथ आप बजाएंगे क्या? तो मैंने बोला ठीक है, मुझे 2 मिनट पहले सोलो में बजाता हूं फिर उसके बाद मैं आपके साथ संगत करूंगा। तो मैंने 2-4 मिनट में जो सोलो बजाया कि सारे लोगों ने इतनी पसंद की है, इतनी तालियां बजाए जोर जोर से और पृथ्वी थिएटर में कदम जम गया। कदम जम गया। वहां से हमारी जिंदगी ये शुरू होते रही जी। और थिएटर में जाते रहे टूर पर। तो इत्तेफाक से राज साहब ने पिक्चर शुरू किया यानी बरसात। तो हर वक्त बोलते थे कि भाई तुम अगर गाने पसंद आएंगे तो मैं लूंगा, तो बनाते रहो। तो ऐसे कई गाने बनाए लेकिन कभी उनको पसंद आए ही नहीं। अच्छा।
तो हम बोलते थे भाई आप बनवाते हैं लेकिन लेते तो है नहीं। इत्तेफाक से हम पूना गए एक वक्त ठेके के साथ। अच्छा। तो रात का वक्त है तो मैंने बाजा लिया, बाजा लेकर मौला रास्ता बैठी। अब ये धुन सुनिए जरा, आपको कैसी लगती है? भले आप मत लीजिए लेकिन सुनिए गाना। मैंने वो अंबुआ का पेड़ है जी, वही मुंडेर है, आ जाओ मेरे बालमा अब काहे को देर है, ये गाना मैंने सुनाया। जैसे सुनते ही कहा कि भाई अपन बंबई चलते हैं और ये गाने को रिकॉर्ड करते हैं। तो बस फिर बंबई हम चले आ गए। अच्छा। तो आने के बाद और वाकई वो सीरियस उस गाने के पीछे लग गए, भाई गाना जरा सुनाओ। तो उस गाने के लिए हसरत मियां लिखने के लिए आए। तो फिर हसरत भाई ने उस धुन पर बोल कौन से लिखे? जिया बेखरार है, छाई बहार है, आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार। ओहो, ये तो एवरग्रीन गाना था। जी हाँ। शंकर जी, एक संगीतकार यहाँ बैठे हुए हैं और साज भी मौजूद है, तो आपकी मौजूदगी का और साज होने का फायदा उठाते हुए मैं फरमाइश करूँ कि आप हमें बताएं कि ये अम्बुआ का पेड़ जिया बेकरार कैसे बना। आइए। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मेरे बालमा अपने को दे दो। जिया बेकरार है। आइए शंकर जी। शंकर जी, आज भी जब हम ये कहते हैं कि शंकर जी आ गए तो लोग कहते हैं कौन, शंकर जी किचन की जोड़ी वाले। मैं ये जान सकती हूँ कि ये जोड़ी कैसे बनी? ये तो ऐसा है कि जब थिएटर में मैं काम किया करता था तो एक हारमोनियम बजाने वालों की जरूरत थी, तो उस वक्त मैंने जयकिशन जी को वहां काम के लिए ले आया। जब लाया तो उनको बाबा जी ने रख लिया। बस उसके साथ हमारी ये जोड़ी जो बनी है, जैसे बरसात शुरू हुई है तो आज तक बरसात ही बरसात, बरसात ही बरसात होती रही है। अब रहा यह है कि दोनों जो मिलकर काम करते थे लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि वो कर रहा है या मैं कर रहा हूं, ऐसे कभी दिमाग में हमारे कोई ख्याल नहीं आए। हमेशा यही सोच के करते थे कि हमारा नाम होना चाहिए, हमें कामयाबी बनना चाहिए और खूब दुनिया में हमारे चर्चे होना चाहिए, यही दिल में हमारी। और इस मकसद में तो कामयाब हुए। अच्छा शंकर जी, जैसे शंकर जयकिशन संगीतकारों की जोड़ी मशहूर हुई, इसी तरह दो राइटर्स भी आपके साथ जुड़े हुए रहे हमेशा, शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी जी। जी हम ये जान सकते हैं कि इन दोनों राइटरों का इस्तेमाल आप लोग कैसे करते थे? क्या ऐसा कुछ था कि एक राइटर आपके साथ और एक जयकिशन जी के साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं जी। बात ऐसी है, शैलेंद्र के टाइप के गाने जो हैं वो हम शैलेंद्र को दिया करते थे जी, और हसरत की टाइप के गाने वो हसरत को दिया करते थे। अब मैं इन दोनों के टाइप का फर्क जानना चाहूँ तो? जी हाँ, मतलब जैसे शैलेंद्र जो है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जी, देश में गंगा रहती है। अब हसरत का है जी, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे चश्मे बद्दू। अच्छा, यानी इनमें तगज्जुल और रोमांस ज्यादा है। अच्छा, वैसे ये दोनों ही एक दूसरे से कोई कम नहीं थे, और मैं समझता हूँ ये दो राइटरों ने जितना नाम किया और इतनी जितने गाने उनके चले, शायद ही मैं समझता हूँ कि ऐसा कम है। अच्छा शंकर जी, हमें ये भी बताइए कि जब आप फिल्मों में आए तो उस जमाने की मशहूर मशहूर आवाजें कौन सी थी? उस वक्त तो मेरे ख्याल से शमशाद भाई थी, जवरा भाई, अमीर भाई कर्नाटक, और राजकुमारी। अच्छा। और खुशी, सुरैया और नूरजहां भी थी जी। तो ऐसे बड़े बड़े गाने वाले थे, लेकिन हम एक दिन एक जुपिटर स्टूडियो में मैंने गया था तो एक लड़की को वहां मैंने देखा जी, जो सुनलाल जी के यहां वो अपनी आवाज सुनाने के लिए आई थी। तो
लाल भगत राम की जोड़ी थी बड़ी जबरदस्त, ग्रेट लोग थे जी। तो वहां पर ये अपनी आवाज सुनाया इन्होंने, तो उन्होंने पसंद नहीं किया और वो वापस भेज दिए। तो मेरे दिमाग में नहीं मालूम वो आवाज क्यों रही क्या है जी। जब ये गाना मैंने बरसात का बनाया जी, जी बेकरार है, तब उस लड़की को मैंने बुलाया। अच्छा, जब बुलाया तो आप ये समझेंगे कि लड़की ये गाना गाएगी या गा सकती है, ऐसे कुछ उनमें बातें नजर नहीं आ रही थी। मैं आपसे यही सवाल करने वाली थी कि जब उस जमाने की मशहूर आवाजों को न लेते हुए आपने ये गाना लता जी से गवाने का फैसला क्यों किया? इसलिए तबस्सुम जी, बात यह है कि मेरे में बचपन से ही कुछ ऐसी बातें हैं, क्योंकि ठीक है वो तो नाम वाले है ही है, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में, हालांकि मैं खुद नया, मेरी जिंदगी का खुद ठिकाना नहीं था, लेकिन मैंने इस लड़की की आवाज को पसंद किया। इसलिए पसंद किया, मेरे दिमाग में थी कि यही गाएगी। उसको एक गाने के लिए ले आए हैं, हमने सारे ही गाने गवा दिए उससे, वो है लता मंगेशकर। मैं ये अब जानना चाहूंगी कि उस जमाने में संगीतकारों का और गायकों का आपस में रिलेशन क्या हुआ करता था? उस वक्त बहुत अच्छा था, बिल्कुल गुरु और शिष्य, गुरु शिष्य की तरह एक दूसरे का अदब करना, एक दूसरे को मान देना, छोटे बड़े का ख्याल करना, ये तमाम चीजें थी। और म्यूजिक डायरेक्टरों में भी बड़ा प्यार था और सिंगरों में भी एक दूसरे में मिलना जुलना बहुत अच्छा था। शंकर जी, आपने फिल्म जगत में, प्लेबैक की दुनिया में और भी तो बहुत सी आवाजें अदा की हैं। हाँ, कि क्या पोजीशन और क्या उनकी अहमियत थी उस वक्त, वो तो इतने लंबे थे मेरे से, मैं तो एक छोटा सा झाड़ के नीचे खड़ा हूँ ऐसे लगता था जी। तो उन्होंने पूछा, अरे तुम तो अभी नए नए आए और तुम्हें नए को गवा रहे? तो मैं बोला, पंचोली साहब हमें इसी को गवाना है। तो बोले, भाई तुम्हारी हिम्मत की बात देना चाहिए जी। तुम नए होकर खुद नए को गवा रहे, तो आपने सुना होगा सी चात्मा को भी जी। हाँ। तो उसको जैसे को गवा दी हमने, वो भी चल गया है। तो ऐसे ही कितने शारदा जी की आवाज में ऐसी कौन सी खूबी और खास बात थी जो आपने उन्हें चांस दिया? जैसे लता को हमने लाया, हमने कोई खूबी तो नहीं देखा उसमें जी, बगैर देखे ही ले आया। तो वैसे ही हमने भी इसमें कोई अच्छी बातें देखी, तभी तो हमने लाया। इसलिए लाया कि उनमें जो इनकी शारदा की आवाज में जो है एक अपना ढंग सबसे बड़ा निराला था। उम्र की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले हर मशहूर आदमी के बारे में उसके दर्शक ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं और काफी बातें उन्हें मालूम भी हो जाती हैं। लेकिन शंकर जी, आपके परिवार के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में लोगों को आज तक ज्यादा डिटेल्स नहीं मालूम हुई, इसकी वजह? ऐसा है, जो आदमी फिल्म लाइन में 37 ईयर्स जो गुजारता है और फिल्म की एक एक बात उसे मालूम है कि वो कैसा फिल्म लाइन है, कैसे लोग हैं, कैसे रहते हैं और क्या बात करते हैं, तो मैं कैसे गलती कर सकता हूँ कि अपनी फैमिली को फिल्म लाइन में ले आऊं? जहाँ का काम वही करो, अच्छा है। इस मुसीबत में क्यों डालूं, हम जो पड़ गए मुसीबत में, ये तो वक्त की बात है, अच्छा काम किए बोलकर नजर आ रहे हैं। माने तो यहाँ कितने आए और कितने चले गए। किसी भी गाने के लिए पहली चीज सिचुएशन, उसके बाद बोल और तीसरा नंबर आता है धुन का। लोगों का ये ख्याल है, आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? ऐसा है कि हम लोग जो करते हैं पहले धुन बनाते हैं जी, शुरू से ही धुन बनाते हैं। यानी हमने जिस चीज को तीसरी चीज कहा आपके लिए, वो पहली है? पहली है। अच्छा। इसलिए कि उससे नया वजन बनता है, नया रिदम बनता है, नया ढंग हो जाता है और उसमें लिखने वाले को भी एक यानी लय और स्टाइल अलग हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि समझो राइटर जो है जी, या दादरा होता है या रूपक होता है या कहवा, ये तीन ही चीजें होती हैं उनके लिए। तो उस पे लिखने के बाद अगर गाना हम लें तो वजन तो एक जैसे ही आएगा, उसमें बदलने में बड़ी तकलीफ होती है, वैरायटी कम मिलेगी जी। हाँ, तो इसलिए जैसे मात्रे हैं तत्तत्तन तत्तन तत्तत्तन तत्तन, तो ये वजन राइटर को कैसे आएगा? जैसे कैसे जानू कैसे मानू आजा आजा, तो ये रिदम जो है इस पे जब बोल आने से जरूर है जी कि वो गाना अलग हो जाए, अलग होगा। इसलिए हम लोगों को आदत हो गई है कि वजन पे गाना लिखना, लेकिन जी
लिखने में बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि शायर सोचा है फिर इसमें कैसे लाए हम बोल, इसमें रिदम टूटता है, ये पाविचारे उनको बड़ी परेशानी होती है, लेकिन आखिर वो गाना। तो शंकर जी आप ये महसूस नहीं करते कि शायर को अगर इतनी फ्रीडम दी जाए कि वो मीटर पे ना लिख के पहले गाना लिखे तो उसके थॉट्स की उड़ान कुछ ज्यादा ऊंची होती है? नहीं तो उसमें हमारी जिंदगी में अच्छे गाने बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो मीटर जो है लोगों तक पहुंचता नहीं, फिर लोग याद नहीं करते उसे। जैसे बहुत से हमारे गाने, कम से कम 100 गानों में से हमारे 75 गाने जो है रिदम पे लिखे हुए हैं, वजन पे, यानी बोलों की तारीफ हो जाती है लेकिन गाना जबान पे चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं। अच्छा, तो खैर आगे बढ़ने से पहले एक गाना वो भी दिखा दें, पहले बोल और बाद में धुन। जी हाँ जी। तो बनने के बाद आवाज का इंतखाब आप करते हैं या आपके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर? अब ऐसा कि आज तरह से ही आवाज, इसलिए इस काम में ईमानदारी है बहुत जी। हमने अपना मतलब कभी नहीं देखा ना अपना मतलब सोचा है। अगर अपना मतलब अपना सोचते तो शायद इतने साल यहाँ चलते भी नहीं, उसका सवाल ही नहीं है। लेकिन आजकल जो वक्त आ गया है वो वक्त ऐसा आया है जो कि अब म्यूजिक डायरेक्टर की कुछ नहीं चलती है, ना म्यूजिक डायरेक्टर को समझता है, ऐसे भी नहीं समझते हैं हमारे इंडस्ट्री में इस वक्त। वो तो समझते हैं कि हम जो आइडिया दे उसको बनाओ और उसको बनाकर हमको दो, वही सबसे अच्छा है। तो आप देख रहे हैं आज के जमाने में क्या हो रहा है, म्यूजिक का असर, म्यूजिक का तो सत्यानाश ही हो रहा है। आप अपनी आवाज अपनी पसंद से पसंद करते हैं जी? गाना बनने के बाद हाँ जी, आवाज का इंतखाब आप खुद ही करते हैं जी, तो उसमें कभी आपने कोई वैरायटी देने की कोशिश की? जैसे राज कपूर जी के साथ जुड़े हुए थे मुकेश जी जी, तो आपने कभी ये कोशिश नहीं की कि आप मुकेश जी के अलावा राज कपूर जी के चेहरे के लिए किसी और से? मन्ना डे को गवाया। अच्छा, बिल्कुल मन्ना डे की भी आवाज मैच होती, और ऐसा कोई नहीं कि जरूरी है कि मुकेश ही गाए या मन्ना डे ही गाए, ऐसा कुछ नहीं। जैसे गाना बनता है उसके हिसाब से वैसे आवाज को हम लेते। आप अपने म्यूजिक में शास्त्रीय संगीत का भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, इसकी कोई खास वजह? खास वजह यह है कि हमने सीखा ही शास्त्रीय म्यूजिक पहले, दिल्ली में सबसे पहले श्री गणेश आनंदा जो कहते हैं वही हमने किया है। अच्छा। पहले क्लासिकल सीखा है जी, उसके बाद ही तो सारा म्यूजिक आया है हमको, वरना जिसके बुनियादी मजबूत नहीं है जी, तो मैं समझता हूँ वो कैसे लोगों को याद रहेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिल्म लाइन के लोग जो बहुत अच्छी तरह करीब से जानते हैं उनका ये ख्याल है कि क्लासिकल गाने जो बनाते थे वो जयकिशन जी बनाते थे और आप वेस्टर्न टच लिए हुए, ऐसा तो हम ये जान सकते हैं कि काम को जो आप कैसे करते हैं? जरूर जरूर, ऐसा है कि अगर मैं मर जाता जयकिशन रहता तो उससे भी यही सवाल किया जाता है कि नहीं, बताइए सवाल तो यही होता, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है। क्लासिकल वो भी जानते थे जी, क्लासिकल मैं भी जानता था, लेकिन मिलकर ये काम होता है। और क्या है, ज्यादातर मैंने ज्यादा क्लासिकल को भी ज्यादा मेहनत किया है। अच्छा। और ये जितने डांस वगैरह के जितने नंबर देखते हैं आप बड़े बड़े, जितने भी मुश्किल वो तकरीबन मैंने उसको। अच्छा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक गाने में मुखड़ा आपका हो, अंतरा उन्होंने बनाया हो? जी हाँ, ऐसा भी हुआ। हाँ, जैसे प्यार हुआ इकरार हुआ। अच्छा, उसमें झगड़े भी हुए थे बहुत। अच्छा, प्यार के साथ टीम वर्क था हम लोगों का, कभी भी दिल में कभी कोई बात नहीं रखते थे। अच्छा शंकर जी, लोग ये महसूस करते हैं कि जयकिशन जी के बाद फिल्म जगत में आपका नाम भी कम नजर आने लग गया है। उसकी वजह है, आपको इससे पहले भी मैंने बताया, जैसे कि आजकल के वक्त में जी, एक अच्छा आदमी जो नाम किया है और अच्छा वक्त देखा है, तो ऐसे काम के लिए किसी के घर जाना, किसी को खुशामद करना, किसी के पास जाके बैठे ना, ये मैं समझता हूँ अपनी बेइज्जती है। इंसान अगर शान से काम करना हो तो ठीक है, काम का मुकाबला कीजिए ना, काम अगर अच्छा चाहिए तो हम है जी, चाहे आज हो, आज से 25 साल पहले का भी अगर काम करना हो तो हम करके दिखा सकते हैं। और आज भी हमारा जो म्यूजिक जो भी हमने किया जी, आज के गानों से भी ज्यादा हमारा म्यूजिक का रिदम आज भी उतना ही फास्ट है। Yamamadi, Yamamadi,
ऐसे शंकर जी ये बताइए कि किसी भी फिल्म की कामयाबी का दारोमदार म्यूजिक पर कितना होता है? 50% होता है सर, 50%। अच्छा। जरूर, आज तक हिस्ट्री देख लीजिए आप, जो भी पिक्चरें चली म्यूजिक के ऊपर रिपीट वैल्यू और वही चली है। आपने बेशुमार गाने बनाए हैं पिछले 37 सालों में, हम ये जान सकते हैं कि आपको अपनी कौन सी धुन सबसे ज्यादा अच्छी लगी और क्यों? अब ये तो सवाल ऐसा है कि अगर माँ को पूछे तुम्हारे 6 बच्चों में कौन से बच्चा अच्छा है, हाँ। तो वो कैसे बोल सकती है, बताइए ना।